आवश्यक सूचना। मोटो यात्रा के इस भाग में यह दिखाया गया है कि कैसे आप अपनी लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए इन दो दोपहिया वाहनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, और यह दोनों दोपहिया वाहन सूर्या हीरो में अच्छे नाते रिश्ते रखने के कारण मिल पाए हैं। दोनों मेरे नहीं हैं। एक्सपल्स 200T और एक्सपल्स 204V, इन दोनों बाइक्स को ना देखने में लगता है कि यार ये दोनों बाइक सेम ही हैं, लेकिन यार जब आप रियल में दोनों को पास में खड़ी करके देखोगे ना, तब पता चलेगा दोनों में डिफरेंस कितना है। अभी एक्सपल्स टी को मैंने सेंटर स्टैंड पे खड़ा किया हुआ है, बिकॉज इसके अंदर सेंटर स्टैंड आता है और इस एक्सपल्स के अंदर सेंटर स्टैंड नहीं आता है, फिर भी एक्सपल्स इससे कितनी ज़्यादा बड़ी लग रही है। सो आज के इस वीडियो में अपन इन दोनों बाइक के बारे में बात करेंगे। सो खमागानी दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे और मेरा नाम है अंकुर शेखावत। शुरू करते हैं जल्दी से, सबसे पहले इन दोनों बाइक्स के चेंजेस के बारे में। तो दोनों रेड कलर हैं, तो एक्सपल्स के ग्राफिक्स कुछ ऐसे आते हैं। एक्सपल्स लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में और फोर वॉल्व की जो स्टीकर है वो यहाँ पर की गई है। ये जो है इसके अंदर अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं और टी के अंदर अलॉय व्हील्स आते हैं, जबकि दोनों का टायर साइज़ देखोगे तो पता चलेगा एक्सपल्स का 21 इंच का टायर है और इसका 17 इंच का टायर है। दोनों टायर साइज जो है एक्सपल्स का 90x90 और 21 इंच का है, ये 100x80 और 17 इंच का है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा टायर कितना ज़्यादा यूज़ है एक्सपल्स का। बाकी सस्पेंशन जो है, यहाँ पे सस्पेंशन भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा एक्सपल्स का सस्पेंशन कितना बड़ा है, लेकिन जो सस्पेंशन के ऊपर रबड़ कैप लगाई गई है ये मुझे टी की बहुत सुंदर लग रही है, एक्सपल्स कितनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ठीक है। दोनों के अंदर निसिन के ही ब्रेक्स आते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिया गया है, और ये टायर ट्यूबलेस है टी का, जबकि एक्सपल्स का टायर ट्यूबलेस नहीं आता है। और एक्सपल्स 200 को अगर आप इधर से देखोगे टी को, तो कुछ ऐसा ग्राफिक है और फोर वॉल्व की जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे पीछे लिखी गई है। इंजन के ऊपर जो टैपेट कवर है उसको चेंज करके रेड कलर का कर दिया गया, रैली एडिशन की तरह है, जबकि फोर वॉल्व के अंदर एक्सपल्स में सेम टैपेट कवर है बट ये नॉर्मल कलर का ही आता है। अगर आप कलर दूसरा भी चेंज करके देख लेंगे, जैसे ये मेरे पास ब्लू वाली खड़ी है तो इसका भी टैपेट कवर नॉर्मल ही है, कलर में कोई अलग से चेंज नहीं दिया गया है। देन इसमें नकल गार्ड्स आते हैं और फ्रंट से देखने में एग्जैक्टली ऐसी लगेगी है, और इस तरीके का इसका मडगार्ड आता है, जबकि टी में हेडलाइट सेम है और यहाँ पे इस पर विंडशील्ड नहीं है, इंडिकेटर सेम है, एलईडी हेडलाइट्स है और दोनों बाइक्स की, और यहाँ पे थोड़ी सी विंडशील्ड को चेंज कर दिया गया है, थोड़ी बड़ी कर दी गई है, और यहाँ पे नकल गार्ड्स नहीं दिए गए हैं। ऊपर से आप दोनों बाइक्स को देखोगे तो ये कुछ ऐसी दिखती है और एक्सपल्स कुछ ऐसी दिखेगी, तो ये एक चेंज दिया गया है। मुझे सीट जो है कुशनिंग इसकी भी हार्ड ही लग रही है, ऐसी कोई सीट के अंदर चेंज नहीं दिया गया है, जबकि इसकी सीट में थोड़ा सा कर्व ज़्यादा है, थोड़ी सी मुझे सॉफ्ट लग रही है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सीट के अंदर। यहाँ पे ग्रैब रेल दे दी गई है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी बैकलाइट जो है एग्जैक्टली सिमिलर है और इंडिकेटर्स भी सेम हैं, यहाँ पे साइलेंसर भी सेम है। बड़ा चेंज है टायर के अंदर कि अब ये MRF के रेव्ज एस करके जो टायर आते हैं, जो कि थोड़ा रेडियल टायर है, ट्यूबलेस टायर है और 130 17x17 का आता है, डिस्क ब्रेक एग्जैक्टली निसिन के ही सेम आते हैं, सस्पेंशन कुछ ऐसा दिखेगा, जबकि अगर आप एक्सपल्स को देखेंगे तो यहाँ पे टेल रैक के लिए स्पेस दे दिया गया है कि आप इनको हटा के और टेल रैक रख सकते हैं, हेडलाइट सेम है। देन इसके अलावा टायर जो हैं ये ट्यूब वाले टायर हैं, ट्यूबलेस नहीं आएंगे, और सस्पेंशन जो है वो रेड कलर का दिया गया है। इवन जो मेरे सामने ब्लू कलर वाली एक्सपल्स है उसके अंदर भी आप देखेंगे तो सेम रेड कलर का ही सस्पेंशन दिया गया है, और पावर फिगर्स एग्जैक्टली सेम है दोनों बाइक्स में, दोनों बाइक देखने में कुछ ऐसी लग रही हैं। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि यार आपके अकॉर्डिंग कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है और कौन सी बाइक आपको परफेक्ट करेगी। अगर आपकी हाइट कम है और आपको ऑफरोडिंग नहीं करनी है तो 200T आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी, बट अगर आपको थोड़ा सा ऑफरोडिंग करना है और बाइकिंग के टाइम में मज़े करने हैं, जंप करवाना है, तो उस पर्पज़ को सॉल्व करेगी एक्सपल्स, बिकॉज इसको जितना मर्जी हो, जहाँ मर्जी हो, जहाँ लेके जा सकते हो, इस बाइक के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कलर कॉम्बिनेशन मुझे रेड कलर दोनों ही बाइक्स का बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे इंजन का जो कलर है ये ब्लैक है कम्प्लीटली, और इस वाली का सिल्वर या फिर ग्रेइश कलर, आप कहें लाइट ग्रेइश कलर दिया गया है। रियर जो ब्रेक है ये कुछ
ऑफ रोडिंग वाला दिया गया है और इसका जो है ऑफ रोडिंग वाला नहीं नॉर्मल दिया गया है। बाकी मुझे सस्पेंशन में देखो डिफरेंस तो दिख रहा है कि ये यहाँ का जो साइज़ है ये कम है, छोटा दिया गया है, और दोनों फ्रंट से देखने में आपको दिख रहा होगा कि ये एक्सपल्स का बड़ा है, टी का छोटा है, एंड रियर वाला सस्पेंशन भी इसका काफ़ी बड़ा है। तो ये दोनों के साइज़ में डिफरेंस है। अब दोनों बाइक्स को ना एक बार मैं स्टार्ट भी कर लेता हूँ ताकि आपको एक एग्जॉस्ट नॉट का डिफरेंस पता चल जाए। वैसे तो दोनों का सेम ही होना चाहिए, बट अगर कुछ ट्यून अलग की गई है तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले एक्सपल्स को ऑन करते हैं। ऐसा कोई फ्लक्चुएशन भी नहीं आ रहा है जो मोस्टली करती है बाइक्स। अब इसमें चलते हैं, टी कैसी है स्टार्ट करने पे। इसका आरपीएम गया एक बार ऊपर, बट अब वापस नॉर्मल हो गया। तो दोनों के अंदर विजेबल, दोनों में जो चेंज है, हल्का हल्का मुझे लगा कि दोनों के अंदर इंजन की ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है, बट ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस मुझे लगा दोनों के एग्जॉस्ट नॉट के अंदर। और अब एक बार मैं इन दोनों बाइक्स को अगल बगल में खड़ी करके देख लेता हूँ, पता चल जाएगा दोनों की हाइट का और लेंथ का भी। अभी दोनों बाइक बराबर में खड़ी हैं तो देखो कुछ ऐसी लग रही है। इनका जो फ्रंट जो है कितना बड़ा दिख रहा है, एक्सपल्स कितनी लंबी है, यहाँ से आप देखिएगा एक्सपल्स इतनी बाहर निकल रही है इससे, जबकि मैंने रियर से दोनों बाइक्स को एग्जैक्टली एक ही जगह पे खड़ी हैं, तो पीछे से एकदम बराबर हैं दोनों बाइक। और इसकी सीट हाइट का भी आइडिया लग रहा होगा कि सीट हाइट कितनी जो है डिफरेंस है, बिकॉज अभी वो बहुत ज़्यादा झुकी हुई है बाइक और ये कम है। इसकी सीट हाइट जो है 795 है और एक्सपल्स की है 835 mm की। तो इस एंगल पर खड़ी करने में दोनों बाइक्स कुछ ऐसी लग रही हैं, और एक विजिबल डिफरेंस आ जाता है कि यार अब कौन सी बाइक ज़्यादा बड़ी है और कौन सी बाइक की हाइट और लंबाई जो है वो छोटी है। सो ऑब्वियस है कि एक्सपल्स 200D काफ़ी छोटी है, बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी और बाइक से, लाइक स्प्लेंडर से भी कंपेयर करेंगे, तो उतनी छोटी भी नहीं है। हाँ, एक्सपल्स 200 से काफ़ी छोटी और लंबाई में भी ये बाइक काफ़ी कम है। सो एक बार मैं ना एक स्प्लेंडर भी खड़ी करके देख लेता हूँ, ये जो बगल में जो खड़ी है इसको भी खड़ी करके देख लेता हूँ उसके पास में, एक आइडिया लग जाएगा कि यार कौन सी बाइक जो है ना इन दोनों में डिफरेंस साइज़ का कितना है। तो देखो एक्सपल्स काफ़ी बड़ी लग रही है, 200T उससे छोटी है, और एक्सपल्स के डिज़ाइन की वजह से वो छोटी लग रही है, बट अगर आप टायर देखोगे तो टी का टायर थोड़ा छोटा लगेगा स्प्लेंडर के कंपेरिजन में, बट दोनों का टायर साइज सेम है, इसका टायर थोड़ा मोटा है, इस वजह से वो स्प्लेंडर का टायर थोड़ा बड़ा लग रहा है। बट फ्रंट से देखने में ऑलमोस्ट हैंडल बार्स की हाइट जो है वो भी मेरे को जहाँ तक लग रहा है बराबर ही आ रही है दोनों बाइक्स की, और देखिएगा दोनों हैंडल बार बराबर हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा छोटी लग रही है स्प्लेंडर टी के सामने, ऑलमोस्ट बराबर सी ही लग रही है। एक्सपल्स बहुत बड़ी है, बट ये दोनों बाइक्स काफ़ी छोटी हैं, और 200T भी काफ़ी छोटे साइज़ में आती है। तो कुछ है ये डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर। अब यार बात ये आती है कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो देखो यार, अगर आपकी ऑफ रोडिंग ज़्यादा रहती है कि आपको ज़्यादा ऑफ रोडिंग करना है, सिटी में कम राइड करना है, तो आप एक्सपल्स पे जाइएगा, बिकॉज़ ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट बाइक है, इससे बढ़िया और कोई बाइक नहीं हो सकती है। और वहीं पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं सिटी में ज़्यादा राइड करूँगा हाईवे पे, या फिर मैं ऑफ रोडिंग कम करूँगा, तो फिर मैं एक्सपल्स टी पे जाऊँगा। तो ये दोनों का डिफरेंस रहेगा। जिनकी हाइट कम है उनको भी एक्सपल्स टी पे जाना चाहिए। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हैं तो देखो बात ही अलग हो जाती है, फिर तो आप कोई सी बाइक चला सकते हो, बट अगर आप नए हो आपकी हाइट कम है तो एक्सपल्स टी बहुत काम की चीज़ है, बिकॉज जिनकी हाइट 5'8" 5'9" है उनके लिए बढ़िया रहेगी, उससे छोटी हाइट के लोग हैं तो उनको टी पे जाना चाहिए। तो ये मेरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन था। इसके अलावा माइलेज की बात भी करते हैं, तो देखो 35 से 36 के आसपास का ही माइलेज इन दोनों बाइक से मिल पाएगा। ओवरऑल हाईवे वगैरह भी ले लें तो हाईवे पर तो 35-36 का ही देगी, सिटी में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाए 35 से और 37-38 का माइलेज आप मान के चलिए, इससे ऊपर ये बाइक नहीं देने वाली है। तो यार ये सब मिलता है इन दोनों बाइक्स के अंदर, आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी बाइक को आपको लेनी चाहिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो मिलता हूँ नए वीडियो में जल्द ही।